हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते. यो विद मी स्मृति कालरा. एवरी संडे हम करते हैं संडे लाइव 6 बजे. आज इट वाज ऑल अबाउट स्किन. हमने स्किन के बारे में बात करी एक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट से, बट अनफॉर्चुनेटली वो सेशन सेव नहीं हो पाया. एंड वंस अगेन आई एम कमिंग लाइव. जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी विद द डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं उसके इस सेशन में पॉइंटर्स बोलने वाली हूँ और फिर उसको सेव करने वाली हूँ फॉर योर बेनिफिट, क्योंकि सब मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने सेव नहीं किया. आइडियली आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि संडे 6 बजे हम जो लाइव सेशन करते हैं आप वो अटेंड करो, एंड आप दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी बताओ सो दैट दे बेनिफिट, क्योंकि हर बार मैं सेशन शायद से सेव ना कर पाऊं. जैसे आज जो हमने डर्मेटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट से बात करी वो सेशन नहीं सेव हो पाया, बट जो भी पॉइंटर्स थे क्विकली आई एम गोना रीहैश. ओ गॉड, प्लीज डोंट फॉल द कैमरा. ओके, सो ऑल अबाउट स्किन. स्किन क्या है? द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. स्किन रिस्पॉन्सिबल है हमको हमारे टच के लिए. हमको ठंडी लगती है, हमको गर्मी लगती है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा हाउ जेंटल योर लवर्स टच इज अगर हमारी स्किन नहीं होती. स्किन विटामिन डी बनाने में हेल्प करती है जब हम बाहर सन में जाते हैं. सो अब स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. कहते हैं कि ब्यूटी इज स्किन डीप, अर्थात कि आपको इंसान जैसा दिखता है उस पर नहीं जाना चाहिए, इंसान जैसा है वो मैटर करता है. एब्सोल्युटली ट्रू. बट जब आप पहली बार किसी को देखते हो तो कितनी डेप्थ है उस बंदे में नहीं समझ में आता ना. फर्स्ट थिंग व्हाट? अट्रैक्शन, राइट? आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो तभी उसे जाके बात करते हो, एंड देन यू डिसाइड, एनालाइज और रियलाइज कि उस बंदे में डेप्थ है और बंदा शैलो है या आपका कंपैटिबिलिटी हो रहा है नहीं हो रहा. सो जो दिखता है वो बिकता है. चेहरा दिखता है, स्किन दिखती है, तो उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है. इसलिए बात की थी आज डर्मेटोलॉजिस्ट से हमने. वंस अगेन सेशन नहीं सेव हो पाया तो मैं फटाफट पॉइंटर्स बता देती हूँ. सो हर इंसान की स्किन टाइप अलग होती है. कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है या सेंसिटिव है? जब आप सुबह उठते हैं, उठने के 2 घंटे बाद आप कोई भी टिश्यू पेपर लो, अपने फेस पे लगाओ और फिर उस टिश्यू पेपर को ऑब्जर्व करो. अगर आपको हर जगह पैचेस, ऑयली पैचेस दिखते हैं तो यू हैव ऑयली स्किन. अगर वो टिश्यू पेपर लगाने के बाद आपकी स्किन आपको थोड़ा ड्राई ड्राई से एब्रेशन फील होता है, दैट मीन्स यू हैव ड्राई स्किन. अगर आपको सिर्फ यहाँ यहाँ ऑयली होता है, द टी एरिया, द टी जोन, और बाकी कहीं जगह आपको ऑयल पैचेस नहीं दिखते हैं टिश्यू में, दैट मीन्स यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन. एंड माई डियर, इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन देन यू आर डूम्ड, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वो स्किन है जो अधिकतर हर चीज पे रिएक्ट कर जाती है, और जो चीजें आम स्किन टाइप्स के लिए ओके होती है सेंसिटिव स्किन इज एलर्जिक टू इट, तो उसका स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है. सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन भेजा गया था, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेजें और ये भी बताएं कि कौन सा सेशन करना है एवरी संडे. सो द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन वाज अबाउट एक्ने. एक्ने क्यों, क्या, कैसे? सो डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करी थी. व्हाट शी हैड डिस्कस्ड इज एक्ने क्यों होता है. बेसिकली एक्ने 2 टाइप के होते हैं, टीनेज एक्ने एंड अडल्ट एक्ने. जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं विच कॉजेज एक्ने. एंड वंस वी रीच अ सर्टन एज हमको लगता है अब तो हम बड़े हो गए, अब क्यों निकल रहे हैं हमारे पिंपल्स और एक्ने. दैट इज अगेन हार्मोनल चीजों की वजह से. तो अगर आपको एक्ने को कॉम्बैक्ट करना है, अपने एक्ने को ठीक करना है, तो अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे वो आपको बोलेंगे कि ब्लड टेस्ट कर लो, आपके थायराइड लेवल चेक करेंगे, एंड देर गोना फिगर आउट कि आपके हॉर्मोन्स अप डाउन है उसकी वजह से आपको एक्ने हो रहा है, तो वो आपको एक ओरल मेडिकेशन पे डालेंगे. या वो रीजन नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है. कॉर्टिसोल मैंने मेंशन किया था बहुत ज्यादा इस स्ट्रेस हार्मोन के बारे में जो मैंने सेशन लिया था अबाउट वेट लॉस एंड न्यूट्रिशन. कॉर्टिसोल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन योर बॉडी. कॉर्टिसोल हमारा यहाँ का जो फैट है हमें ईजिली लेट गो नहीं करने देता है. कॉर्टिसोल की वजह से बहुत एक्ने भी होता है. लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हैविंग लॉट ऑफ शुगर, जंक, क्योंकि उसमें सोडियम वगैरह होता है, सो दैट कॉजेज एक्ने. एंड ऑब्वियसली अगर आप हाइजीन नहीं रखोगे, अगर आप ज्यादा ऑयली, आपके जो ग्लैंड्स हैं
जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, ऑयली ग्लैंड होते हैं, अगर वो ज्यादा ऑयल सिक्रीट करते हैं, आप स्मोक ड्रिंक नहीं कर रहे हो, अच्छा लाइफ स्टाइल ले रहे हो, बट यू आर बॉर्न विद अ स्किन टाइप दैट इज ऑयली, तो क्या करें? तो उसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो रीजन पहले पता करते हैं. अगर हॉर्मोनल है तो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए वो आपको ओरल मेडिसिन देंगे. अगर नहीं है तो आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है तो आपको वो रेक्टिफाई करने के लिए बोलेंगे, और आपको टॉपिकल मेडिसिन लगाने को बोलेंगे. तो क्लिंडामाइसिन एक जेल है, आप लगा सकते हो पिंपल जब आता है. मेरा जब आता है मैं लगाती हूँ, एंड 2-3-4 दिन तक लगाती हूँ, एंड पिंपल सेटल हो जाता है. जो हमारे पोर्स होते हैं, जब उसमें डर्ट, जब ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स फॉर्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पिंपल होता है. सो दैट इज समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ. एंड ऑल द लेडीज जिन्होंने मेनोपॉज हिट कर लिया है, या उनको गायनेक प्रॉब्लम है, PCOD, PCOS, दैट इज अगेन हॉर्मोनल इम्बैलेंस, तो उसकी वजह से अडल्ट एक्ने होता है. एक्ने सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, आपके शोल्डर्स पे होता है, आपके बैक पे होता है, विच इज वेरी पेनफुल. सो अ गुड डर्मेट के पास जाना बहुत जरूरी है. सिर्फ कोई भी मेडिसिन लगा लेने से इतना फर्क शायद नहीं पड़ेगा, पड़ेगा बट कहते हैं ना जड़ तक जाना जरूरी है. एक चीज जो हम बार बार करते हैं वो है हम टूथपेस्ट लगा लेते हैं. सो आज हमने जो डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करी, डू नॉट पुट एनी टूथपेस्ट ऑन योर पिंपल. वो ड्राई कर देता है बट वो मार्क छोड़ देता है, वो आपकी स्किन को बर्न करता है. सो प्लीज टूथपेस्ट मत लगाइएगा अगर आपको पिंपल हो रहा है, क्योंकि स्कूल वूल में तो हम लोग यही करते थे, और जो हॉस्टल में रहते थे तो क्या ही करें. ऑल्सो अगर आपकी स्किन जल जाती है तो कहते हैं ना कि टूथपेस्ट लगा लो, प्लीज मत लगाओ. आपकी अगर स्किन जलती है तो फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज अप्लाई आइस, है ना, एंड देन एनी एंटीसेप्टिक, क्योंकि आपका स्किन एक्सपोज हो गया है टू द एनवायरमेंट, तो बैक्टीरिया होगा, सो यू नीड टू अप्लाई. देयर इज अ वेरी गुड मेडिसिन सिल्वर एक्स करके. अगर आप किसी के पास जाओगे जब आपका हाथ जल जाएगा, ओके यहाँ पे नहीं है, सो मेरा हाथ बहुत जलता है, मुझे बहुत चोटें लगती हैं, तो सिल्वर एक्स करके एक मेडिसिन है, आप वो लगा सकते हो, दैट रियली हेल्प्स. ओके सो और जिनकी ऑयली स्किन है, आप प्रोडक्ट्स यूज करो जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, दैट रियली हेल्प्स. तो जो ड्राई स्किन है, आप प्रोडक्ट्स वो यूज कीजिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड नहीं है, ठीक है. सो जो सेंसिटिव स्किन है, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दैट द फेस वॉश दैट आई यूज इज ए डर्मा का फेस वॉश, ओट मिल्क का बना हुआ, इट इज वेरी जेंटल, एंड आई थिंक सो वो सबके लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल में आएगा, सो यू कैन बाय दैट. एंड फॉर सेंसिटिव स्किन यू कैन ट्राई सीबामेड की क्रीम. सीबामेड प्रोडक्ट्स आर रियली नाइस. अगर आप किसी डर्मेट के पास जाएंगे, आई एम वेरी श्योर वो ये ब्रांड जरूर बोलेंगे, बिकॉज इट रियली वर्क्स. So that is that. Apart from that, the next question that was asked a lot is about facial hair. You know, girls ke facial hair hote hain. In fact, koi koi boys ke facial hair nahi aate to unko bahut stress hota hai. Kehte ki are chikna reh gaya. Girls ke bahut baar yahan pe facial hair aate hain. Upper lip bahut zyada hoti hai. To uske liye kya karein? That this is a question that was asked a lot. So again, it's hormonal. तो अगर आपको जड़ तक जाना है तो आपको ब्लड टेस्ट करने को बोलेगा डर्मेट, उसे पता चलेगा कि आपको हॉर्मोन्स, आपका जो थायराइड है वो ठीक है कि नहीं है, एंड देन सब्सिक्वेंटली उसका क्या किया जा सकता है. आप लेजर ट्रीटमेंट ले सकते हो. बहुत सारी गर्ल्स पार्लर्स जाती हैं, वैक्सिंग कराती हैं या थ्रेडिंग करवाती हैं यहाँ पे. सो इट इज बेसिकली कॉजिंग ट्रॉमा टू योर स्किन, तो आप वो अवॉइड करो, क्योंकि ट्रॉमा होता रहता है अपनी स्किन को. सो द डर्मेट सेड, जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि आप शेव कर सकते हो. टू विच आई आस्क्ड कि कहते हैं कि अगर हम अपने बालों को शेव करें तो जो हमारे बाल हैं वो बहुत हार्ड आते हैं, थिक आते हैं, इज इट ट्रू? सो जो डर्मेटोलॉजिस्ट थी आज हमारे साथ शाम को 6 बजे लाइव सेशन में, जो नहीं रिकॉर्ड हो पाया, दैट इज वाई आई एम कमिंग लाइव अगेन टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो हेयर फॉलिकल्स हैं, जैसे आपके बाल आएंगे आएंगे. तो लेजर हेयर रिडक्शन आजकल बहुत फेमस है. लेजर ट्रीटमेंट जिसे हम नॉर्मल लिंगो में बोलते हैं, आप जाके अपने, आई थिंक सो 5-6 सेशंस में आपका जो हेयर का जो
थिकनेस है वो कम होता जाता है लेजर से, और फिर आपके बाल इतने फाइन हो जाते हैं कि वो दिखते ही नहीं है. तो लेजर सीधा अंदर आपके स्किन डीप जाता है एंड जो हेयर फॉलिकल होता है उसको अटैक करता है एंड उसका जो फॉर्मेशन है वो कम होता जाता है. सो अगर आपको लेजर ट्रीटमेंट कराना है प्लीज करवाइए, बट कुछ भी कराने से पहले प्लीज डू योर रिसर्च, आस्क पीपल अराउंड यू एंड यूज योर ब्रेन एंड योर सेंसिबिलिटी एंड देन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड अ लॉट इज अबाउट अंडर आई. सो अंडर आई जेनेटिक होता है एंड व्हाट द डर्मैट सेड, मैं बहुत इंग्लिश बोल रही हूँ सॉरी, जो द डर्मैट थी उन्होंने बोला कि जो हमारी अंडर आय है वो सबसे डिफिकल्ट होती है ट्रीट करनी, बिकॉज जेनेटिकली बहुत होता है. जैसे किसी की मम्मा लोगों का अंडर आय है तो फिर आपका भी होगा, यू नो. सो संकन आइज भी एक चीज होती है, किसी की आपने आंखें देखी हैं ऐसे कहते हैं दे आर संकन एज इन धसी हुई है. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कांट डू मच अबाउट, बट उसके लिए भी प्रोसीजर्स आ गए हैं. अगर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो कुछ इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे, हाँ तो आपको कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा. आई थिंक इट्स कॉल्ड अ फिलर, फिलर डालते हैं. तो एनीवे कमिंग बैक टू अंडर आय, सो शी सेड दैट अंडर आय इज ईदर जेनेटिक और आपका स्लीप साइकिल जैसा है. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्लीप साइकिल, बार बार आंखों को ऐसे मत रगड़ो बिकॉज यहाँ की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है. I have to remember this. है और ड्राई होती है तो नाइट क्रीम्स, सो आई आस्क कि नाइट क्रीम्स लगाना बेनिफिशियल होता है. तो डॉक्टर ने बोला हाँ आप लगा सकते हो, अगेन डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड. न्यूट्रीजिना का ब्रांड नाइट क्रीम का इज वेरी गुड, तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो डेफिनेटली ट्राई, बट ट्रायल एंड एरर आपको करना पड़ेगा खुद. गिनी पिग आप हो, स्किन आपकी है, ट्राई करके देखो, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू. So, another thing that was asked by 3-4 people, और मुझे लगा कि एक ही अकाउंट, एक ही इंसान ने 2-3 अकाउंट तो नहीं बनाए हुए, क्योंकि एक ही फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन था कि मेरे बहुत फोरहेड में लाइन्स आ रही है, मैं क्या करूं. फेशियल लाइन्स क्यों होती हैं? हमारा स्किन, हमारा जो फेस है हम पूरे दिन यूज करते हैं. जिनका फेस बहुत एक्सप्रेसिव होता है वो अपने पूरा फेस का इस्तेमाल करते हैं, मसल्स यूज होते हैं. जो मसल आप ज्यादा यूज करते हो बॉडी में वो ज्यादा यूटिलाइज होता है, वो स्ट्रांग होता जाता है. हम डोले बनाते हैं तो हमारे बाइसेप्स आ जाते हैं, हम ज्यादा स्क्वाट्स एंड लंजेस करते हैं तो हमारे लेग मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं. सिमिलरली जो बहुत ज्यादा ऐसे करते हैं तो क्या होता है, लाइन्स फॉर्म होने लग जाती हैं, राइट. जो ज्यादा स्क्विंट करके देखते हैं सो दे आर फॉर्मेशन ऑफ लाइन्स, एंड ऑब्वियसली विद एज लाइन्स होती हैं. तो उसके लिए क्या किया जाए, सो उसके लिए आप बोटॉक्स करा सकते हो. बोटॉक्स इज अ प्रोटीन डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट, तो वो आपको हार्म नहीं करता है. तो अगर आप किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो पहले नम करेंगे आपका वो एरिया और इंजेक्ट करेंगे, एंड व्हाट डिड शी से, हाँ इंजेक्ट करेंगे एंड आपके जो ये लाइंस हैं सो बेसिकली आपके मसल को रिलैक्स कर देते हैं. तो फिर ये जो फॉर्मेशन होती है ये फॉर्मेशन नहीं होती. बोटॉक्स करीबन 6 महीने तक रहता है, 3 से 6 महीने तक, तो आप जाके एब्सोल्युटली करा सकते हो. क्योंकि विद एज लाइन्स आना, रिंकल्स आना बट नेचुरल है. एंड जैसे आप 20s में लगते थे आप 30s में वैसे नहीं लगोगे, जैसे आप 15 में लगते थे आप 25 में नहीं लगोगे. सो इट इज ऑलवेज नाइस टू एक्सेप्ट इट. आई जस्ट होप मेरा फोन ना गिरे, होल्ड ऑन. ऑलराइट, सो इट इज वेरी नाइस टू एक्सेप्ट हाउ वी आर एजिंग, बट हम सबको यूथफुल एंड यंग रहना है. उसकी वजह से तो पूरी इतनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रही है और सबको अच्छा लगता है कि सब सुंदर अच्छे रहें. तो आप बिल्कुल कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपने सारे क्वेश्चंस रेडी करके जाओ, आपको जो जो लगता है अपना रिसर्च करके जाओ एंड डॉक्टर से पूछो. वन थिंग आई वॉन्ट से, आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो आपकी बॉडी है, आपका हक बनता है कि आप सवाल पूछें एंड वो जवाब दे. इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत नोजी हो जाओ, अच्छा ये अच्छा ना, आप वो एक प्रोफेशनल है, आप उनको रिस्पेक्टफुली पूछिए अपनी बॉडी के बारे में, व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाई नॉट, एंड द डॉक्टर विल ऑलवेज आंसर. आप किसी से भी रिस्पेक्टफुली कुछ भी पूछोगे तो वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे और आंसर करेंगे. सो दैट इज ऑल अबाउट लाइन्स. आपकी लाइन्स आप बोटॉक्स से कम कर सकते हो.
Another thing that was spoken a lot about is how to keep your skin supple. When you say skin supple, is again keeping your skin youthful. Again, I'm talking English. तो हम अपनी स्किन को ऐसे सपल और ऐसे मॉइस्चराइज्ड एंड यंग एंड यूथफुल कैसे रखें? सो बेसिकली स्किन हमारी एकदम सपल और यंग कैसे रहती है? कोलाजन. कोलाजन इज रिस्पॉन्सिबल हमारी स्किन को टाइट, फर्म एंड यूथफुल रखने के लिए. विद एज आपका कोलाजन कम होता जाता है, बहुत नॉर्मल है. तो फिर क्या करें? सो बेसिकली कोलाजन ना इट्स अ प्रोटीन. It is a structural protein. जैसे आपके protein structure देता है, that is why आप एकदम tight आपकी skin में रहती है. तो collagen with age कम होने लगता है. तो collagen formation के लिए आप vitamin C rich खाना खाइए, आप protein खाना खाइए. जिस खाने में ज़्यादा zinc है, जिस खाने में ज़्यादा copper है, आप वो खाइए, that will help you. एंड आजकल तो कोलाजन कैप्सूल्स भी आती हैं, कोलाजन सैशेज आते हैं जो आप पानी में मिक्स करके खा सकते हो. अगेन डू योर रिसर्च, आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे. बट ये लेने से पहले ना इट्स ऑलवेज नाइस कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट से या अपने डर्मेटिस्ट स्किन डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट कर लो. तो कोलाजन ऑल्सो कोलाजन बूस्ट होता है अगर आप योगा करें तो आपकी स्किन रिजुविनेट होती है. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन कोलाजन. एंड कोलाजन इज द इंग्रेडिएंट दैट कीप्स योर स्किन फर्म एंड नाइस एंड ऑल ऑफ दैट. अनदर थिंग, आपने देखा होगा कुछ कुछ लड़कियां वैसे बहुत पतली होती हैं बट उनका जो फेस होता है ना, यहां से एकदम प्लम्प होता है, एकदम फुल, मतलब ऐसे होना चाहिए ना अगर आप बहुत पतले हैं, बट यहां से एकदम फिल होता है, फुल होता है. That gives the appearance of being very youthful. तो fillers कराए जाते हैं, आप cosmetologist के पास जाओ, वो filler inject करते हैं. आपने notice किया होगा कोई कोई लड़की ऐसी होती हैं but एकदम face भरा हुआ and all of that. तो again आपका choice है, आपका body है, इसमें कोई गलत या सही नहीं है. You know it is your face, आपको जो करना है कराओ, कोई कुछ भी कहे, doesn't matter. So please एक अच्छा cosmetologist बहुत ज़रूरी है. So again, do your research and find a good dermat and a good cosmetologist. Underarms, girls, underarms. बहुत दिक्कत देते हैं. Some part of our body हमेशा dark रहते हैं as compared to other body parts. आपके underarms हो गए, आपके inner thighs हो गए. सो मैंने डॉक्टर से पूछा ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी के अंडर आर्म्स डार्क होते हैं, किसी के एकदम क्लीन होते हैं. सो बॉडी वेट फ्लक्चुएशन कॉजेज द अंडर आर्म्स टू डार्कन. तो उन्होंने कहा कि जो लोग बहुत ज्यादा वेट लूज एंड वेट करते हैं तो उससे आपके अंडर आर्म्स भी डार्क होते हैं. क्यों? क्योंकि आपके हॉर्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं. सो अगर आप नोटिस करोगे इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, ओ माई गॉड 10 o'clock होने वाले हैं. सो अगर आप नोटिस करोगे इस पूरी कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है हॉर्मोन्स को, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है इंटरनली आप कैसे हो, एक्सटर्नली नहीं. तो आप जो भी अपनी स्किन के लिए करेंगे, आप कितना लेप लें चीजें कर लें, हेल्प करती हैं, बट इंटरनली अगर आप थोड़े ज्यादा बेटर हो जाओगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इंटरनली एक्सटर्नली, राइट? ऑलराइट. सो अंडर आर्म्स के लिए बोला कि अगेन हार्मोनल होता है, ज्यादा जो ओवरवेट होने लगते हैं तो उनके भी अंडर आर्म्स डार्क होने लगते हैं. एंड बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस है, जब आप हेल्दी होने लग जाते हो ना तो आपकी स्किन फोल्ड होने लग जाती हैं. तो मान लो गीले कपड़े, अगर मैं गीले कपड़े को तय लगा के ऐसे रखूंगी और उसमें क्रीजेस बनती जाएंगी तो अंदर मॉइस्चर रहेगा, सूखेगा नहीं. मॉइस्चर रहेगा तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, राइट? फंगल इन्फेक्शन होता है तो फिर थोड़ी स्किन डार्कन होने लग जाती है. तो दैट इज ऑल्सो द रीजन. तो वेट रिड्यूस करिए. अगर आप बहुत स्वेट करते हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपना हाइजीन रखो, ठीक है? नहीं तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और अगर फंगल इन्फेक्शन होता है देन वंस अगेन आपको स्किन डॉक्टर के पास जाना होगा. हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस टू वर्क वरुण धवन? वो हम नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं, अभी हम स्किन के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो भी बात करेंगे पक्का. अच्छा, एक पाउडर है कॉल अब्सॉर्ब.
अगर ऑल दोज लेडीज एंड जेंटलमैन जो बहुत वर्कआउट करते हैं, जिनको बहुत स्वेटिंग होती है, अब्सॉर्ब पाउडर है, अब्सॉर्ब फंकल पाउडर, प्लीज यूज इट, इट इज वेरी गुड. सो दैट इज गोइंग टू कीप योर अंडर आर्म सेफ. ऑल्सो आप अगर बहुत स्वेट करते हो, जैसे किसी के बहुत स्वेटी पाम्स होते हैं, जैसे आप किसी से मिलते हो उनको हमेशा गीले गीले हाथ होते हैं, बहुत कॉन्शियस हो जाता है वो बंदा, एंड जिनको हाथ मिलाना होता है उनको भी दिक्कत होती है. खैर कोरोना के टाइम में तो कौन ही हाथ मिलाएगा, बट एनीवे, तो उसके लिए भी अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं तो उसका भी अब समाधान है. अगेन दे इंजेक्ट यू विद बोटॉक्स, जो आपके जो ग्लैंड होते हैं जो सिक्रीट करते हैं स्वेट, वो उनको बंद कर देता है. सो जिनके बहुत स्वेटी पाम्स हैं या बहुत अंडर आर्म स्वेट करते हैं, आप प्लीज कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, दे आर गोइंग टू हेल्प यू हु हैव स्वेटी हैंड्स. बट आई थिंक सो स्वेटिंग इज वेरी गुड बिकॉज इट ओपन्स योर पोर्स. सो अगर आपको एक हाइड्रेटिंग सपल स्किन चाहिए, ऑल दी वीमेन हु वांट अ नाइस सपल स्किन, आप वर्कआउट करो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है एंड आपके पोर्स खुलते हैं, आपका स्वेट निकलता है, आपका सारा डर्ट बाहर निकलता है. सो ये भी पूछा गया था कि हम अपनी स्किन को इतना सपल और हाइड्रेट कैसे रखें. सो डर्मेटोलॉजिस्ट ने वो बात बोली जो हम सबको पता है बट हम करते नहीं हैं. खूब सारा पानी पियो, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाओ एंड आपकी स्किन सपल रहेगी. एंड ऑल्सो जो आप मॉइस्चराइजर यूज करते हो, इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. यू नो, अगर आप ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड यूज करो, अगर ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजिंग यूज करो. अंडर आईज के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला कि एलोवेरा लगाना इज वेरी गुड. सो दैट्स अनदर थिंग दैट वी कैन एब्सोल्युटली डू दैट. एंड देन आई आस्क्ड हर कि जो लोग बहुत ही लो मेंटेनेंस है, जिनसे कुछ नहीं होता है, तो वो क्या करें. सो उन्होंने बोला कि 3 steps इन द मॉर्निंग एंड 4 steps इन द नाइट. स्टेप सुबह आप अपना मुंह धोइए, उसको मॉइस्चराइज कीजिए और प्रोटेक्ट कीजिए, सनस्क्रीन लगाइए. सनस्क्रीन SPF 30 इज वेरी गुड फॉर इंडिया, पर जब आप हाई हिल स्टेशन में जाते हो, हिल स्टेशन में जो आपकी धूप होती है कड़क होती है ना, ऑल्सो पोल्यूशन कम होता है एंड स्काई इज क्लियर, तो जब भी आप हिल स्टेशन पे जाते हो ना, अपना SPF बढ़ाओ. SPF 50 मिलता है मार्केट में, यूज दैट, इज वेरी गुड. सो दैट विल प्रोटेक्ट योर स्किन. एंड सो ऑलमोस्ट ऑल द डर्मेटोलॉजिस्ट से, एंड आज जिनसे हमने बात करी थी डॉक्टर से, उन्होंने भी बोला दैट आप घर पर भी हो तो आप सनस्क्रीन लगा के रखो. आप स्क्रीन के सामने बैठते हो तो उसकी भी रेज आती हैं, आप सनस्क्रीन हमेशा लगा के रखिए टू प्रोटेक्ट योर स्किन. सब डर्मेटोलॉजिस्ट ये बोलते हैं, आई पर्सनली डू नॉट डू दैट. मुझे लगता है कि स्किन जितनी खुली रहे उतना अच्छा है. अगेन आपका चॉइस, आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपकी लाइफ, आपके चॉइसेस, द चॉइसेस यू मेक, द एक्शंस यू टेक मेक योर लाइफ. और रात को ऑल द गर्ल्स प्लीज मेकअप लगा के मत सो. आपको कितनी भी नींद आई हो, आप पार्टी करके आए हो, आपने ड्रिंक व्रिंक किया हो, यू आर टोटली स्लॉज्ड, मेकअप लगा के सो गए, नो, इवन इफ यू आर लाइक टोटली अबाउट टू गेट आउट, मेक श्योर दैट यू यूज मेकअप रिमूवर एंड रिमूव द मेकअप. सो रात को भी मेकअप हटाइए, फेस वॉश से अपना फेस धोइए, उसको मॉइस्चराइज करिए. What do you do for pimples? My dear Jovial, मैंने starting में बहुत acne के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर दी है. So bro, I think so when I'm going to upload it, आप वो सुन लेना, because मैं फिर से बोलूँगी, आपका भी time मैं इतना ले रही हूँ, मैं भी थक जाती हूँ यार बोल बोल के. So I have mentioned about pimples. आप please when I upload it, आप फिर से देख लेना. I'm so sorry, I forgot what I was saying. What was I saying? Can someone remind me? Facial, completely blacked out. I actually completely blacked out. Haan, skin care routine. तो moisturize कीजिए and sunscreen लगाइए. अच्छा, another thing, अगर आप oily skin के हो तो please gel based sunscreen use करना, नहीं तो आपके सारे जो pores हैं वो clog हो जाएंगे. So please be very careful of that, है ना? All right, so that is it. Another thing, जो हमको छोटे होते से बोला जाता था कि vitamin C बहुत अच्छा होता है,
तो नींबू को, नींबू घिस ले, नींबू घिस ले, नींबू लगा ले, मत किया करो, बिकॉज द एसिड इन दैट इज, अगर डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट होता है, इट इज नॉट गुड फॉर द स्किन. फॉर द सेम रीजन कहते हैं ना कि आइस घसो, आइस घसो, आइस घसो, तो उसका तरीका होता है. अगर आपको बर्फ घिसनी है अपने फेस पे और मेकअप के पहले अगर आप आइस घसो, घिसो सॉरी, तो बहुत अच्छा होता है. तो जब भी आप आइस लेते हो ना, उसको एक पतले से मसलिन क्लॉथ में या कोई भी एक क्लॉथ में, पतले से क्लॉथ में कवर करके फिर आप करो, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज नॉट गुड. अगर आप किसी डर्मेट के पास जाओगे तो वो भी यही कहेंगे. ठीक है, सो आई थिंक सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट वाज स्पोकन. वन क्वेश्चन दैट केम अगेन एंड अगेन इज, बिकॉज वी आर इन इंडिया, वी लव गोरी चमड़ी. मतलब लड़की गोरी होनी चाहिए, बाकी सब एडजस्टमेंट हो जाएगी. तो गोरा होने का सबको भूत सवार होता है, एंड अगर आप गोरे हो तो आहा आप सुंदर हो, ऐसा हमारा इंडिया में चलता ही है. सो समवन आस्क्ड कि मेरे को अपना स्किन लाइट करना है, आई एम ऑन द डार्कर साइड, तो मैं गोरी ज़्यादा कैसे हूँ. तो हमारी जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी उन्होंने बोला कि आजकल क्या होता है, आईवी ड्रिप लगती है. आईवी ड्रिप मतलब यहाँ पे आपको ड्रिप लगाते हैं और उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन का कलर बदलते हैं. सो लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस जो पहले डार्क थे अब वो थोड़ा फेयर हो गए हैं काफ़ी. सो दिस इज वन प्रोसीजर. आई डोंट नो उन्होंने किया नहीं किया, बट द डॉक्टर सेड दैट दिस इज अ प्रोसीजर दैट इज देयर. सो अगर आपका मन है तो आप एक अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ एंड ये पता करो. ड्रिप लगती है और इसके भी सेशंस होते हैं. तो जैसे एड्स में नहीं दिखाते टीथ वाइटनिंग की, क्या आपको कौन सा लेवल चाहिए, कितने दांत सफेद चाहिए, इसी तरह स्किन लाइटनिंग के लिए आप डिसाइड करते हो आपको कितना गोरा होना है. तो वंस जब आप 3-4 सेशंस करोगे और आपको लगता है हाँ ये फेयरनेस मेरे लिए इट वर्क्स फॉर मी, देन आफ्टर दैट मेंटेनेंस सेशंस होते हैं. क्या कॉस्ट है एंड ऑल ऑफ दैट आई डिड नॉट आस्क. सो यू कैन कंसल्ट द कॉस्मेटोलॉजिस्ट, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब आपका स्किन कलर भी बदल जाता है, वेरी नाइस. अच्छा वन थिंग दैट डॉक्टर ने बोला था, अगर आपकी अंडर आर्म्स डार्क हैं तो आप दही लगा सकते हो, क्योंकि दही जितने भी इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको मार देती है. सो आप दही लगाओ अंडर आर्म्स में, इट रियली हेल्प्स. ऑल राइट जी, आई थिंक सो वी कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड. एल्बोज डार्क होते हैं, एल्बोज के लिए अगेन द सेम थिंग. आप अच्छा एक जो बात नहीं की थी, एक रेटिनॉल करके, एक बेसिकली रेटिनॉल इज विटामिन ए, और विटामिन ए ना प्लेज अ मेजर रोल इन योर स्किन. सो रेटिनॉल की आई थिंक सो क्रीम्स भी आती हैं. मैंने एक ब्लॉगर को देखा था, वो बात कर रहे थे रेटिनॉल क्रीम के बारे में. मेरे को इसमें इतनी नॉलेज नहीं है, बट आप डू चेक अप ऑन रेटिनॉल, दैट रियली हेल्प्स योर स्किन. बेसिकली इट्स विटामिन ए, विटामिन ए इज किक एस फॉर योर स्किन ब्रो. सो या एंड There's one very good lip balm. मुझे किसी ने lip care के बारे में पूछा था. I couldn't talk about lip care. उतना time ही नहीं मिला. In fact, आज तो live session करने में मुझे इतनी दिक्कत हुई, कुछ connection नहीं हो पा रहा था. Wait, I'm just going to be back. I'm going to find that lip balm. I want to show it to you. Okay, found it. Okay, so this lip balm is super cool. इट्स कॉल्ड कार्मिक्स. ठीक है, ये लिप बाम पर्सनली आई हैव बीन यूजिंग. मेरा स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, मतलब बहुत दिक्कत होती है मुझे, मेकअप सूट नहीं करता, कपड़े पहनो तो कपड़ों के भी कट्स पड़ जाते हैं, बताओ दाग रह जाते हैं, कट्स पड़ जाते हैं, तो काफ़ी. तो लिप बाम पे मैं जीती हूँ, लिप बाम काजल. सो ये लिप बाम एक्चुअली बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत नोटिस किया कि आप जितना भी लिप बाम लगाते हो ना, स्किन लिप्स बहुत ड्राई होने लग जाते हैं. सो फर्स्टली डोंट डू इट, इट ड्राइज योर स्किन. एंड बहुत सारे लिप बाम ड्राई करते हैं, ये जो है ना कार्मिक्स, इट्स अ वेरी गुड लिप बाम. मतलब मेरे लिप्स बहुत अच्छे रखे हैं, और आप मेरे फ्रेंड हो तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप डेफिनेटली ये लो, ये बहुत अच्छा है. और ए डर्मा का फेस वॉश है, ओट मिल्क वाला, प्लीज ले लो, बहुत अच्छा है. मेरी सेंसिटिव स्किन है, लाइफ सेवर, इट इज लाइफ सेवर फॉर मी. ऑल्सो द डॉक्टर सेड कि अगर आप जो भी फेस वॉश यूज करते हो, अगर वो फोम फॉर्म में हो, फोम फॉर्म में हो, तो इज मच बेटर फॉर यू.
अच्छा, टॉकिंग अबाउट लिप्स, किसी किसी के लिप्स हम सब जानते हैं कि आजकल लिप फिलर्स करते हैं, तो अगर आप लिप फिलर कराना चाहते हो, गो टू अ गुड कॉस्मेटोलॉजिस्ट. सो बेसिकली कॉस्मेटोलॉजिस्ट इज ऑल्सो एक आर्टिस्ट है ना. आप किसी किसी के जिसने लिप फिलर कराए हैं बहुत ही ज़्यादा मोटे लिप्स हो जाते हैं, जो उनको अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छे नहीं लगेंगे. तो आपको जैसे लिप्स चाहिए तो एक अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो आपको अच्छे से प्लम्प लिप्स देंगे. अगर आपको अपने लिप्स प्लम्प नहीं करने पर आपकी लिप्स बहुत ड्राई हैं, तो भी कुछ इंजेक्ट करते हैं हाइड्रेट करने के लिए आपकी लिप्स को, कि आपकी लिप्स हमेशा हाइड्रेटेड रहें. अगेन कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, पता लगाओ. अब आपको एटलीस्ट इतनी नॉलेज है, अब इस बेस पे आप बिल्ड ऑन करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो. वेट, देयर इज वन अनदर ऑइंटमेंट दैट आई वांट टू शो यू फॉर ऑल द गर्ल्स एंड द बॉयज हू आस्किंग अबाउट पिंपल्स. आई विल बी बैक. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. आप देख सकते हो. नाउ दिस इज क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन ए. ये आप प्लीज यूज करो अगर आपके पिंपल्स होते हैं, और जब आप चम करते हो, जब आपके पीरियड्स आने लगते हैं, उससे पहले बहुत सारी गर्ल्स को पिंपल्स होते हैं, तो अगर आप ये लगा लो तो बहुत हेल्प करता है. मेरे जितने भी ऐसे अगर पिंपल होते हैं, मैं उस पर 2-3 दिन लगाती हूँ तो वो सेटल हो जाते हैं. तो दैट रियली हेल्प्स. शुगर अवॉइड करो अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए. अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते शुगर, तो डील विद इट, बट ट्राई करो. शुगर कम खाओ, शुगर गड़बड़ करती है काफी ज्यादा स्किन को. ओके, आई थिंक सो आई जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने सब पूछ लिए. एक अभी मैं अभी गई थी इंस्टा पे, तो देर वॉज दिस क्वेश्चन अबाउट हाइजीन. अब हाइजीन पे मैं क्या सेशन करूँ? हाइजीन तो हाइजीन होता है ना, आपको अपने आप को क्लीन रखना है. अब इस पर क्या कोई टॉपिक डिस्कस करेगा? अपने आप को साफ सुथरा रखिए, स्वच्छ रखिए. स्वच्छ अभियान में पार्टिसिपेट भी कर लीजिए. ऑलराइट, आई थिंक सो दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर. ओ, वन मोर थिंग, मेकअप रिव्यू के बारे में बहुत पूछा गया था. एंड मैं बायोडर्मा का मेकअप रिमूवर यूज करती हूँ, और हमारे साथ जो डर्मेटोलॉजिस्ट थी उन्होंने भी बोला बायोडर्मा का मेकअप रिमूवर आई थिंक सो इट इज दी बेस्ट. एंड लिक्विड फॉर्म में कहा था, उसका पिंक कलर का कैप है. फॉर सेंसिटिव स्किन तो इट इज फैंटेबुलस, मतलब मुझे तो सब कुछ रिएक्ट करता है, बट बायोडर्मा का जो मेकअप रिमूवर है किक एस. तो अगर सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा है, तो नॉर्मल ऑयली ड्राई स्किन के लिए तो डेफिनेटली वर्क करेगा. उसमें कुछ एल्कोहल वैल्कोहल नहीं है, तो वो तो गर्ल्स आप ले ही आओ. इट इज लाइक प्रोवन एंड टेस्टेड. सो दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट संडे क्या होगा? सेशन 6 बजे लाइव. आप मुझे मैसेज कर दो. माई टीम इज गोइंग टू गो थ्रू ऑल योर मैसेजेस एंड हम नेक्स्ट संडे का टॉपिक डिसाइड करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. एंड वन मोर थिंग, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप 6 बजे ट्यून इन करो संडे को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मैं ये अपलोड नहीं कर पाती IGTV में. एंड डू टेल अबाउट दी सेशंस टू योर फ्रेंड्स प्राइमरी, बिकॉज अगर आप बेनिफिट कर रहे हो तो आपका फ्रेंड भी तो बेनिफिट करे, राइट? एंड सोशल मीडिया हमारे बेनिफिट के लिए है. सोशल मीडिया हमें यूज कर रही है, वी हैव टू यूज इट. सो लेट्स यूज इट एंड बी द बेस्ट ऑफ अस, बेस्ट वर्जन ऑफ अस. आई विल सी यू, बाय, टेक केयर. सो जाना टाइम से.